इंस्टाग्राम पर आप पैसे कैसे कमाएं, सारे तरीके आपको बता चुका हूँ। ब्रांड प्रमोशन कैसे करें, स्पॉन्सरशिप कैसे करें, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करें, बिजनेस कैसे करें। इंस्टाग्राम पर एक न्यू अपडेट आया है, मैंने आपको बता दिया है। इंस्टाग्राम पर अब आपको रील्स पोस्ट करके आपकी रील्स वीडियो पर जितना व्यूज़ आएगा तो इंस्टाग्राम की तरफ से आपको आपकी रील्स वीडियो पर व्यूज़ का भी पैसा मिलेगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इंस्टाग्राम से जितने भी पैसे कमाने के तरीके हैं सब मैं ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुका हूँ, उन वीडियो को आप देख सकते हो। अब गाइज इस वीडियो में आपको मैं बता देता हूँ, आप लोगों के बहुत ज़्यादा डाउट है जो कि मैं क्लियर करने वाला हूँ। सर आपने सारे तरीके बता दिए पैसे कमाने के, बट हमारे पास जो ब्रांड प्रमोशन के लिए आता है, स्पॉन्सरशिप वगैरह आती है, तो हम उनका चार्ज कैसे करें, कितने व्यूज़ पर कितना पैसा हमें लेना चाहिए, कितने व्यूज़ पर कितना पैसा हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर यही डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, अगर आपकी रील्स स्टोरी में 10,000 प्लस व्यूज़ आता है, आप जो पिक पोस्ट करते हो अपनी आईडी पर 10,000 प्लस लाइक आता है, आप अपनी रील्स वीडियो जो पोस्ट करते हो 10,000 प्लस व्यूज़ आता है, तो ये सब इक्वल है, इनका चार्ज आप एक ही करोगे, अलग अलग नहीं करोगे। तो ये डाउट क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए गाइज, जिनके इंस्टाग्राम पर 10,000 प्लस फॉलोअर्स नहीं है, 10,000 प्लस व्यूज लाइक्स नहीं आते, उनको स्पॉन्सरशिप बिल्कुल भी नहीं मिलता। और जो यूट्यूबर बोलते हैं ना कि आपको इंस्टाग्राम पर 500,000 फॉलोअर्स पर ही स्पॉन्सरशिप मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो भाई उनसे कहना चाहूँगा ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर अब तक के स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, ठीक है, और जबकि मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं आप लोगों का ऐसे पागल बिल्कुल भी नहीं बनाता। तो मैक्सिमम आपके 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए पर रील्स वीडियो, और पर स्टोरी व्यूज़ आपके 10,000 प्लस आना चाहिए, और जो पिक पोस्ट करते हो उस पर भी 10,000 प्लस लाइक आना चाहिए, तब जाके आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, अदरवाइज आपको स्पॉन्सरशिप बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर आपकी वीडियो पर 10,000 व्यूज या लाइक आते हैं तो इसका जो आपका चार्ज होगा वो होगा 2,000, ठीक है, 1,000 से 2,000 इतना ही पैसा मिल सकता है, इससे ज़्यादा आपको कोई भी ब्रांड नहीं देगा, ठीक है। कोई भी ब्रांड आपके पास आया है स्पॉन्सरशिप लेके, वो आपको क्या कह रहा है, आपको ऐप प्रमोशन के लिए बोल रहा है या कोई प्रोडक्ट दे रहा है, कुछ भी प्रमोशन करवा रहा है, तो वो उसका प्रमोशन करवाने के लिए आपसे आपकी आईडी पर सबसे पहले तो एंगेजमेंट चेक करेगा, कितनी एंगेजमेंट है, आपके अकाउंट की कितनी रीच है, आपकी रिसेंटली जो पिक पोस्ट किया गया है उसकी कितनी रीच है, आपकी स्टोरी की कितनी रीच है, आपने जो रील्स पोस्ट किया है उसकी कितनी रीच है, ये सब चेकआउट करने के बाद वो आपको बोलेगा कि मैं आपको 10,000 व्यूज पर 2,000 रुपीज नहीं दूंगा। वो आपको यही बोलेगा, आपने कितना बोला था डील करते टाइम 2,000, बट वो आपसे क्या बोलेगा, मैं आपको 2,000 नहीं 1,000 दूंगा, तो आपको 1,500 पर आ जाना है और यहाँ पर अपनी डील कर देनी है और साफ साफ बोल देना है कि इससे नीचे मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगा, इतने ही पैसे लूँगा, देन हो तो दे दो, अदरवाइज मैं आपके ब्रांड का प्रमोशन नहीं करूँगा। तो तब जाके वो आपको 10,000 व्यूज या लाइक्स पर आपको 1,500 या 2,000 रुपये दे सकता है, ठीक है, इतने व्यूज पर आप इतना चार्ज कर सकते हो। अब आपकी वीडियो पर आते हैं 1,00,000 व्यूज पर पिक पर आपकी 1,00,000 प्लस लाइक आते हैं, स्टोरी पर 1,00,000 व्यूज आते हैं, तो यहाँ पर आप कितना चार्ज कर सकते हो, यहाँ पर आप 15,000 से 20,000 के बीच चार्ज कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपको कोई भी ब्रांड नहीं देगा, ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा चार्ज करोगे ना, आप बोलोगे कि मेरे तो 1,00,000 प्लस व्यूज़ आते हैं, 1,00,000 प्लस लाइक आते हैं और रीच बहुत ज़्यादा है मेरे अकाउंट की, एंगेजमेंट खुद चेक कर लीजिए, मैं तो आपसे 50,000 लूँगा, तो कोई भी ब्रांड आपको देने वाला नहीं है। गाइज आपको मैं बता दूँ, इंस्टाग्राम को अगर मैं यूट्यूब से कंपेयर करूँ तो इंस्टाग्राम के स्पॉन्सरशिप जो रेट है बहुत ज़्यादा लो प्राइस है और यूट्यूब के बहुत ज़्यादा हाई है। अगर यूट्यूब पर मेरी वीडियो पर 1,000 व्यूज़ आते हैं तो मैं कितना चार्ज करता हूँ आपको साफ साफ बता रहा हूँ, भाई मैं काफ़ी स्पॉन्सरशिप ले चुका हूँ, तो 1,000 व्यूज़ पर मैं मैक्सिमम 5,000 रुपये लेता हूँ, इससे कम मैं किसी को भी प्रमोट नहीं करता, काफ़ी वेबसाइट ऐप्स वगैरह प्रमोट कर चुका हूँ, बट 5,000 से कम मैंने किसी से भी नहीं लिया। अगर मेरी वीडियो पर 1,00,000 व्यूज़ आते हैं ना, तो 1,00,000 के मैं 1,00,000 रुपये ही चार्ज कर सकता हूँ, 50,000 से 1,00,000 के बीच, इतना यूट्यूबर करते हैं। अब यहाँ पर इंस्टाग्राम पर अगर आपके 1,00,000 व्यूज़ या लाइक्स आते हैं तो उसका चार्ज आप
15,000 से 20,000 ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपको कोई भी ब्रांड नहीं देगा। अब आपकी वीडियो पर आता है 1 मिलियन व्यूज़, तो 1 मिलियन व्यूज़ पर आपको 1 लाख रुपए आसानी से मिल जाएगा किसी भी ब्रांड का प्रमोशन करके। ठीक है, कोई भी ब्रांड आपके पास प्रमोशन के लिए आता है, ठीक है, तो उसका आप चार्ज डील में 1 लाख रुपए करोगे, 1 लाख से कम आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। अब यहाँ पर देखो, जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं लाइक मिस्टर फेसू, रोहित झिंझूर के, तो इनकी वीडियो पर तो मिलियन ऑफ व्यूज आते हैं, मिलियन ऑफ लाइक आते हैं, मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं, और अकाउंट की जो रीच है ना वो भी मिलियन में है। ठीक है, मिलियन में नहीं, बिलियन में इनके अकाउंट की रीच। तो यहाँ पर इनका जो चार्ज होता है ना, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, अगर मैं रोहित झिंझूरके को ले लूँ, ये एड करते रहते हैं अपनी वीडियो में, ज़्यादातर ऐप प्रमोट करते हैं, मॉज वगैरह, एंड स्टोरी में भी काफ़ी ऐप वेबसाइट वगैरह ये प्रमोट करते रहते हैं, प्रोडक्ट प्रमोट करते रहते हैं। तो रोहित झिंझूरके का मैं आपको बताता हूँ, तो इनका जो मैक्सिमम चार्ज है ना वो है 2 लाख से 3 लाख। ठीक है, इतने ज़्यादा व्यूज़ पर इनका देखो कितना ज़्यादा चार्ज है, और किसी किसी से तो ये 5 लाख रुपीज़ भी ले लेते हैं, जो बड़ी कंपनी होती है ना, बड़ा जो ब्रांड इनके पास आ जाता है, तो उस एक ब्रांड प्रमोशन के ये 5 लाख रुपीज़ भी ले लेते हैं। तो ऐसे अगर इनको महीने में 1, 2, 3, 4 जितनी भी स्पॉन्सरशिप मिल जाए, इतनी ज़्यादा अर्निंग एक महीने में ये कर सकते हैं। उनके जो चार्ज है ना स्पॉन्सरशिप के बहुत ज़्यादा है, उनसे अपना आपको कंपेयर मत करना। ठीक है, तो अगर आपकी वीडियो पर मिलियन में व्यूज़, मिलियन में लाइक आते हैं, आपके अकाउंट की जो रीच है वो मिलियन में, तो आप 1 लाख रुपये एक स्पॉन्सरशिप के ले सकते हो आसानी से, इतना आपको मिल जाएगा, कोई भी ब्रांड दे देगा। बिकॉज वो आपके अकाउंट की एंगेजमेंट चेकआउट करते हैं, आपकी फेस वैल्यू देखते हैं, कितनी रीच आ रही है, पर जो रिसेंटली पिक पोस्ट किया गया है, रील्स पोस्ट किया गया है, स्टोरी पोस्ट किया गया है, उसकी वे रीच चेकआउट करते हैं इनसाइट में, सब कुछ चेक करने के बाद जब आपको वो पैसा देते हैं, बिकॉज उनको भी तो चार्ज करना होता है और उनको भी पैसा कमाना होता है। तो दोनों डील चाहते हैं कि कम में हो। ठीक है, मतलब आप चाहते हो मैं ज़्यादा पैसा ले लूँ, कंपनी वाला चाहता है, जो मतलब ब्रांड प्रमोशन वाला है वो चाहता है मैं आपको कम पैसा दूँ। तो ऐसे में आप तो ज़्यादा लेने की कोशिश करना, और इतना भी मत मांग लेना कि ब्रांड यही बोल दे कि भाई बाय बाय, मैं कभी नहीं आपके पास आऊँगा, नहीं मुझे प्रमोशन करवाना, ऐसा मत कर देना। ठीक है, तो इतना चार्ज आप इतने व्यूज़ पर, इतने लाइक पर कर सकते हो जितना मैंने आपको बताया, ये मैंने मैक्सिमम बताया है, कोई भी ब्रांड आपको इतना पैसा इंस्टाग्राम पर, इतने व्यूज़ लाइक्स पर आपको दे सकता है। अदरवाइज आप अपनी तरफ से 1 मिलियन व्यूज़ पर मांगने लोगों 5 लाख तो कोई नहीं देगा। ठीक है, तो 1 मिलियन पर आप 1 लाख ले सकते हो। आई होप आपको पता चल गया होगा इंस्टाग्राम पर आप कितने व्यूज़ पर, कितने लाइक पर, कितना पैसा ले सकते हो। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं, वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।